Good morning students, you are welcome to children's general knowledge series. This is the 7th part of this series. Today's topic is Indian Scientist Part 2. Yesterday I have asked a question to you. The question was, who established the Thumba Equatorial Rocket Launching Station at Trivandrum? And the correct answer is Vikram Sarabhai. जितने भी कमेंट्स मिले हैं सभी ने सही आंसर दिए हैं, लेकिन सबसे पहले करेक्ट आंसर देने वाली स्टूडेंट्स बनी हैं खुशी चतुर्वेदी। आपने अपनी क्लास मेंशन नहीं की हुई है, सो नेक्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर क्लास। सो खुशी चतुर्वेदी, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। लेट्स स्टार्ट टूडेज जनरल नॉलेज सीरीज पार्ट 7, इंडियन साइंटिस्ट पार्ट 2। First question is, who is famous for Raman effect and won the Nobel Prize for Physics in 1930? That means, Raman effect के लिए किन्हें जाना जाता है जिन्हें physics के क्षेत्र में 1930 में Nobel Prize प्राप्त हुआ। Your options are H.J. Bhabha, S.N. Bose, S. Chandrasekhar, C.V. Raman। So students, Raman effect उस महान वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इसकी खोज की, और करेक्ट आंसर इज C.V. Raman। C.V. Raman का फुल नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। यह इंडियन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया लाइट स्कैटरिंग के फील्ड में, और इसे हिंदी में प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, और इस इफेक्ट को उनके ही नाम पर रमन इफेक्ट के से जाना जाता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1983 फॉर हिज थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स? ब्लैक होल्स की थ्योरी के लिए किस वैज्ञानिक को 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ? योर ऑप्शंस आर एस चंद्रशेखर, एल ई वाटरमैन, न्यूटन, ए पी जे अब्दुल कलाम। सो द करेक्ट आंसर इज एस चंद्रशेखर। इनका पूरा नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर था, और यह एक बहुत ही फेमस इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। उन्हें उनके ब्लैक होल के गणितीय सिद्धांत, दैट मींस मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? स्टूडेंट्स, इस साइंटिस्ट को इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर के नाम से भी जाना जाता है। योर ऑप्शंस आर सीवी रमन, विक्रम साराभाई, एपीजे कलाम, सतीश धवन। एंड द करेक्ट आंसर इज विक्रम साराभाई। इनका पूरा नाम विक्रम अंबालाल साराभाई था। ये एक इंडियन फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे, और इन्होंने भारत में न्यूक्लियर पावर के डेवलपमेंट में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और स्पेस प्रोग्राम को भी चलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन सिटीजन won a Nobel Prize in 2009? किस इंडियन सिटीजन को 2009 में नोबेल प्राइज मिला? योर ऑप्शंस आर वी एस नायपॉल, वी रामकृष्णन, अमर्त्य सेन एंड मदर टेरेसा। सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज वी रामकृष्णन।
इनका पूरा नाम वेंकट रमन रामकृष्णन है। यह भारतीय ब्रिटिश अमेरिकन स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट हैं। 2009 में इन्हें स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is known as the architect of Param series supercomputers? किन्हें Param series supercomputers के architect के नाम से जाना जाता है? Your options are Vijay P. Bhatkar, S. Ramani, S. P. Mudur, none of the above. And the correct answer is Vijay P. Bhatkar. इनका पूरा नाम विजय पांडुरंग भाटकर है। यह इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। इन्हें भारत के सुपर कंप्यूटर परम के डेवलपमेंट के नेतृत्व प्रदान करने के नाम से जाना जाता है। Your next question is, who is the creator of world's second and India's first test tube baby Durga? किन्हें दुनिया की दूसरी और भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा के क्रिएटर के नाम से जाना जाता है? Your options are देवी प्रसाद सेट्टी, सुभाष मुखोपाध्याय, प्रताप रेड्डी एंड नरेश रेहान। And the correct answer is Subhas Mukhopadhyay. Dr. Subhas Mukhopadhyay, Indian scientist physician थे। इन्होंने दुनिया की second और भारत की पहली test tube baby child को in vitro fertilization से तैयार किया, जिसने 1978 में जन्म लिया। Your next question is Which day is celebrated as National Mathematics Day in India as respect to Ramanujan? S. Ramanujan के सम्मान में किस दिन को भारत में National Mathematics Day के रूप में मनाया जाता है? Your options are 17 January, 13th March, 30 August, 22 दिसंबर एंड द करेक्ट आंसर इज 22 दिसंबर। यह भारत के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे और यह इनका बर्थडे है 22 दिसंबर को, इसलिए इसे नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस रामानुजन इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एस लो ऑफ विच वन कॉलेज। एस रामानुजन इस कॉलेज के फेलो के रूप में इलेक्ट होने वाले चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। वह कौन सा कॉलेज है? प्रेसिडेंसी कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, लंदन कॉलेज एंड कैम्ब्रिज कॉलेज। एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रिनिटी कॉलेज। Your next question is which number is famously known as Ramanujan Hardy number? किस नंबर को रामानुजन हार्डी नंबर के रूप में जाना जाता है? And options are 1004, 1992, 1309 and 1729. And the correct answer is 1729. इसके बारे में एक रोचक कथा है कि जब हार्डी एक टैक्सी में बैठकर रामानुजन को देखने हॉस्पिटल गए, उस समय रामानुजन बहुत बीमार थे, तो रामानुजन ने उनसे पूछा कि आप किस टैक्सी में बैठकर आए हैं, उसका नंबर क्या था? तो हार्डी ने कहा 1729। तब रामानुजन ने कहा कि इससे अधिक इंटरेस्टिंग नंबर तो कोई हो ही नहीं सकता, यह ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिन्हें दो नंबर्स के क्यूब के सम के रूप में लिखा जा सकता है।
और इस नंबर की खोज करने में रामानुजन का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इसे रामानुजन नंबर भी कहा जाता है, रामानुजन हार्डी नंबर। और मैथ्स में 1729 एक खास संख्या मानी जाती है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। किस साइंटिस्ट को भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के नाम से, फाउंडर के नाम से जाना जाता है? योर ऑप्शंस आर शिवराम भोजे, अरविंद भटनागर, श्री कुमार बनर्जी, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। सो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट्स बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू पुट योर नेम एंड क्लास। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।